हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर में। और आज के हमारे परिचर्चा मेवाड़ का इतिहास में सिसोदिया वंश के भाग 5 में, जिसमें आज हम महाराणा प्रताप के बारे में स्टडी करेंगे। आज के हमारा चर्चा का विषय जो महाराणा प्रताप हमारा टॉपिक है, ये चूंकि एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसके भाग 2 भागों में इसकी मैं चर्चा आपके बीच करूंगा। सिसोदिया वंश के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिसोदिया वंश से जो महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, कॉन्स्टेबल से लेके आरएस तक का एग्जाम, जिसमें इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। महाराणा प्रताप की एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। निश्चित रूप से आपको किसी दोबारा किसी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आप इसको ढंग से, आप इसी में से आप अपने नोट्स बना लेंगे तो कंप्लीट रूप से आपका टॉपिक 100% रूप से आरएस तक का टॉपिक आपका तैयार इसके अंदर हो जाएगा। अब आज हम जो जो महाराणा प्रताप पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, पहले हम लोग महाराणा प्रताप की जो बायोग्राफी है थोड़ी सी, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप जो है, ऐसा क्या रहा इनके, क्या विशेषता है इनके व्यक्तित्व में कि जिससे, जैसे राजस्थान की या राजपूताना की बात आती है तो महाराणा प्रताप जो है वो एकदम सबसे पहले स्मृति पटल पर जो व्यक्तित्व उभर करके आता है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उभर करके आते हैं। महाराणा प्रताप का जो विशेष नाम जो रहा, वो उस दौर में उनका एक बड़ा काम हुआ था। और वो बड़ा काम क्या था कि 16वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में मुगल वंश का जब शासन चल रहा था, तो उस मुगल वंश के शासन में अकबर जो था वो समय शासक था। अकबर जब अपना साम्राज्य विस्तार जब कर रहा था, तो राजपूताना के अधिकांश शासक जो थे वो अकबर की अधीनता, माय डियर स्टूडेंट्स, वो स्वीकार कर चुके थे और उसके दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन उस दौर में दो व्यक्तित्व हमारे राजपूताना से ऐसे होते हैं, एक तो राव चंद्रसेन जो मारवाड़ से होते हैं और एक महाराणा प्रताप जो मेवाड़ से हैं। दोनों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इतिहासकारों ने जो अपनी एक स्वतंत्र दृष्टि से इतिहास को जो लिखा है, तो उसमें महाराणा प्रताप को एक उच्च स्थान प्रदान किया है। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक छोटा सा ये है कि राव चंद्रसेन जो है वो अकबर के दरबार में उपस्थित हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने ये कह दिया था कि यदि किसी मेवाड़ी ने, यदि क्षमा कीजिएगा, यदि किसी मुगल ने या किसी मुगल सैनिक ने, किसी भी मुगली व्यक्ति ने यदि मेवाड़ की धरा पर कदम रखा तो मैं उसकी टांगे काट दूंगा। ये स्थितियां महाराणा प्रताप ने कही थी। महाराणा प्रताप जो थे, मित्रों ध्यान रखिए कि वो जंगल जंगल भटके, स्थितियां यही रही कि उन्हें भूखों तक रहना पड़ा, कष्ट सहने पड़े, लेकिन जो उन्होंने कसम गोगुंदा में राजतिलक के दौरान खाई थी कि मैं इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गवा दूंगा, मैं कभी भी जो है मातृभूमि के सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, वो कसम उन्होंने आजीवन निभाई। बस इसी बात को लेकर के अकबर के विरुद्ध जो महासंघर्ष उन्होंने जीवन भर किया था, उसी संघर्ष के लिए महाराणा प्रताप को जो है इतिहास में जाना जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कोई एग्जाम राजस्थान स्टेट का नहीं होता है कि जिसके अंदर महाराणा प्रताप से प्रश्न नहीं आते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले महाराणा प्रताप की कुछ जीवनी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके जीवन से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। महाराणा प्रताप 1572 में शासक बनते हैं और 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में हुआ था, बादल महल जो कि कटारगढ़ दुर्ग में स्थित है। कटारगढ़ दुर्ग जो है, जो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने ये कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने कटारगढ़, क्योंकि कटारगढ़ सीधा बना हुआ है, तो वहीं के बादल महल के अंदर जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का बाल्यकाल एक तरीके से मानी कुशल ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बीता था। इनकी जो माता है,
पिता का नाम उदय सिंह, राणा उदय सिंह था। माता का नाम जयवंता या जयवंता बाई था। जयवंता बाई जो है अखेराज सोनग्रह की पुत्री थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राणा उदय सिंह ने भट्टयाणी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन जब राणा उदय सिंह की जब मृत्यु हो गई थी और जब उनके अंतिम संस्कार की बात आ रही थी, तो उस अंतिम संस्कार के दौरान जगमाल वहां उपस्थित कहते नहीं था। तो जब वहां उपस्थित नहीं था तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप चूंकि मौजूद थे, तो वहां ग्वालियर शासक राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अकेरा सोनग्रह इन्होंने उत्तराधिकार प्रश्न उठाया। और उस समय मुखाग्नि जो दी थी वो मुखाग्नि महाराणा प्रताप ने अपने पिता राणा उदय सिंह को दी। इतिहास ये कहता है कि राणा उदय सिंह की महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप की जो माता थी इनसे ज्यादा बनी नहीं, ऐसा इतिहास की कुछ किताबें हमें बोलती हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक ध्यान रखना दो बार होता है। जब उत्तराधिकार प्रश्न आया तो कहते हैं कि 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर ही वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था। वहां जब राज्याभिषेक किया गया तो रावत कृष्णदास जो थे उन्होंने उस समय गोगुंदा में जब राज्याभिषेक किया जा रहा था तो प्रताप की कमर में तलवार को जो रावत कृष्णदास ने बांधा था। आप ये ध्यान रखिए, जो सर्वोच्च पद होता है वो सर्वोच्च पद कभी भी खाली नहीं होता है। जैसे एक राज्य में राजा का पद सर्वोच्च होता है, वो पद कभी भी खाली नहीं होता है। हमारे भारत सरकार में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति यदि पद पर नहीं होते हैं, किसी कारणवश बाहर होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालते हैं। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जाता है। इसलिए सत्ता कोई भी हो कहीं भी हो, सर्वोच्च पद कभी भी खाली नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। राज्याभिषेक जो था गोगुंदा में हो गया, लेकिन राज्याभिषेक समारोह जो एकदम विस्तृत रूप में किया गया, भव्य रूप में किया गया, वो राज्याभिषेक समारोह हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। अब आप ये ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो बार हुआ था, एक बार हुआ गोगुंदा में और एक बार हुआ कुंभलगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप को भील जाति के लोग खासतौर पे, क्योंकि भीलों का आप ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल से ही मेवाड़ रियासत से संबंध रहा है। मैंने आपको बताया लेके कि जो भील जो हुआ करते हैं, जो भीलों का मुखिया होता है, वो कहते हैं मेवाड़ राणाओं के जो था वो अपने तलवार से अपने अंगूठे को काट करके उससे लाज तिलक, उस रक्त से लाज तिलक उनका किया करते, एक परंपरा जो रही है। महाराणा प्रताप को भील जो हैं वो काका कीका या कूका कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी बच्चा या छोटा बच्चा, ये भीलों की भाषा में होता है। महाराणा प्रताप के परिवार के बारे में हम बात जानकारी लेना चाहें तो आप ये ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप के कहते हैं 11 पत्नियां थी। आपको यहां मैं स्क्रीन पर उनकी 11 पत्नियों के नाम और उनकी जो संतानें हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब सवाल यहां पर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि शासकों के हम देखते हैं एक से अधिक पत्नियों का एक चलन रहा है। यहां अधिक पत्नियों के चलन के पीछे जो कारण ये है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा होता था। साम्राज्य विस्तार जब किया जाता था तो कमजोर शासक जो होता था तो वो अपनी एक तरीके से अपनी पुत्री का विवाह जो है वो राजा के साथ कर दिया करता था। इस प्रकार का जो चलन था वो राजनीतिक लाभ, यानी कि जो राजनीतिक जो लाभ है उस लाभ के लिए ही एक से अधिक शादियां जो होती हैं वो शासक किया करते थे। ये एक माइनस पॉइंट भी यहाँ का कई बार हो जाता था, क्योंकि जब एक से अधिक पत्नियां होती थी तो वो राजा की मृत्यु का कारण या उसकी हत्या का कारण भी बन जाता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वो राजकुमारी जो है वो किसी अन्य जो राजकुमार से प्रेम करती है, लेकिन राजनीतिक लाभ से उसका उसका पिता उसका विवाह जो उस राजा से कर देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका मन नहीं लगता था और वो बार बार हत्या का प्रयास वो किया करती थी। वो इतिहास के अंदर ऐसे घटनाक्रम काफी हमको मिलते हैं। हमारे अग्रिम वीडियो क्लासेज के अंदर जब वो घटनाक्रम आएगा तो मैं जरूर चर्चा वहां पर आपके साथ करूंगा।
अब आप ध्यान रखें, यहां इन तमाम रानियों में अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको इतनी सारी रानियों के नाम याद करने हैं, क्योंकि पूरा इतिहास निश्चित रूप से आपने पढ़ा, आपने इतिहास आपने ही पढ़ा होगा, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यहां दो मुख्य रूप से नाम आपको खासतौर पर ध्यान रखने हैं। एक तो है महारानी अजमादे, जिसे अजबदे पवार के नाम से भी जाना जाता है। यह दो नाम हमारे इतिहास की किताबों में देखने को मिलता है, एक अजमादे और एक अजबदे पवार, जिनका पुत्र अमर सिंह जो है माणा प्रताप की मृत्यु के बाद शासक बनता है। इनका एक पुत्र और था भगवान दास। अब आप ये लगातार देखते चलेंगे, लेकर के अमरबाई राठौड़ जिनकी संतान था नत्था, सहमति बाई हाड़ा जिनकी संतान ज्योतिपुरा, अलमदे बाई चौहान जसवंत सिंह जिनका पुत्र था, रत्नाबाई परमार मालगज किलंगू जिनका जिनके पुत्र थे, और लखाबाई जिनकी पुत्री राय भाना थी, जसोबाई चौहान कल्याणदास जिनके पुत्र थे, चंपाबाई जेथे जिसमें कल्ला सनवलदास और दुर्जन सिंह जो इनके पुत्र थे। आगे आप देखेंगे कि सोलन खिनीपुर बाई ज्योति सासा जिनकी पुत्री और गोपाल उनके पुत्र थे, फूलबाई राठौर चंदा और शिखा इनकी पुत्रियां थी, खीचर आशाबाई हत्ती और रामसिंह जो है इनके पुत्र थे। इस प्रकार 11 इनकी पत्नियां थी और इनकी ये संतानें थी। आपको फिर मैं कह रहा हूं, आपको सिर्फ अजमदे पंवार के बारे में आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। ये कभी RS लेवल पे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां जनरली जानकारी ऐसी कभी हो जाती है कि कौन इसमें कौन महिला जो है महाराणा प्रताप की पत्नी नहीं थी, इस प्रकार के प्रश्नों में बात आपसे की जा सकती है। अब आप ध्यान रखिए मित्रों, क्योंकि महाराणा प्रताप चूंकि मेवाड़ में इस समय शासक है और इस समय दिल्ली में जो शासक है वो है अकबर, जिसे सम्राट अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। अकबर जो है अजमेर दरगाह जियारत के लिए आता जाता था बार बार, तो कहते जब जियारत के लिए भी आया और जब वापस आ रहा था तो उसने 1570 ईस्वी के अंदर नागौर में अपना दरबार लगाया, और उसी नागौर दरबार के अंदर हमारे राजपूताना के राजपूताना रियासत के काफी शासक जो थे वो उनके कहते हैं कि अधीनता स्वीकार करने के लिए चले गए। मैंने अभी मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे उनका नाम अभी आपसे लिया था, तो वो भी अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन चंद्रसेन के भाई उदय सिंह और राम के ऑलरेडी प्रेजेंट वहां होने के कारण वो वहां से आ गए और अकबर ने चूंकि अधीनता की जो शर्त रखी वो उनको उन्होंने नहीं मानी। इधर कहते हैं बीकानेर शासक कल्याणमल जो है वो अपने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ जो है वो यहाँ उनकी अधीनता में चला गया था और उसने उनकी अधीनता स्वीकार की, काफी शासकों ने अधीनता स्वीकार की। अकबर ने नागौर में, अब आपको ध्यान रखना है कि उसका दरबार कब लगा, वो लगा 1570 में। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अकबर ने नागौर में एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। जब अकबर ने अपनी बात वहां देखा कि मेवाड़ से महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहे, रीजन इसके अंदर यह है कि अकबर दिल्ली से गुजरात के लिए सीधा मेवाड़ के थ्रू अपना मार्ग चाहता था, इसलिए वो मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन आजादी का दीवाना, ये ध्यान रखिए, केसरिया वाना पहनने वाला, और कहते हैं कि महाराणा प्रताप जिनके भाला उनकी यूनिफॉर्म जो युद्ध की यूनिफॉर्म थी उनके ताज वगैरह तमाम सबका वजन ऐसा कहा जाता है 210 किलो का वजन था। अकेले भाले के वजन के बारे में कहते हैं कि मणबर का उनका भाला था 40 किलो का उनका भाला माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि इस बात को कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आजादी के दीवाने को, ऐसे आप ध्यान रखिए राष्ट्रभक्त व्यक्ति को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। और आप ये ध्यान रखना कि अकबर महाराणा प्रताप की ताकत को, उनकी स्वाभिमान को जानता था। अकबर ड्यूअल सिस्टम में चला करता था, दोहरी नीति को अपनाया करता था। अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। आप पूरे इतिहास में यहां यह देखेंगे कि अकबर ने इस प्रकार की पहल अन्य शासकों के साथ नहीं की है, लेकिन अकबर ने जो पहल की है वो पहल के माय डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ। और वो महाराणा प्रताप के साथ क्यों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकबर को ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं और मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए,
और मेरा संपूर्ण साम्राज्य जो है एक तरीके से मेवाड़ का हिस्सा बन जाए या मेवाड़ में शामिल कर लिया जाए। इसलिए अकबर ने एक प्रयास किया कि हो सकता है कि कुछ धमकी से काम चल जाए। और इसके लिए सबसे पहले जो उसने भेजा, आप ध्यान देखिए, वो भेजा जलाल खां कुर्ची को। जलाल खां कुर्ची जो गए थे, इनके बारे में ध्यान देखिए, मंथ को लेकर के दो मंथ यहां पर हमें एग्जाम ये डेट मिलते हैं, एक तो अगस्त 1572 और एक आता है नवंबर 1572। ज्यादातर जो राय यहां पर होती है वो अगस्त 1572 के लिए होती है, लेकिन चूंकि महीने का नाम आपसे जनरली पूछा नहीं जाता है, वो सन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है। जलाल खां कुर्ची जब वहां गए तो जलाल खां कुर्ची को वहां से वापस लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। मानसिंह कहते हैं कि उस समय बांगड़ के अभियान की ओर थे, यानी कि डूंगरपुर वगैरह के अभियान की ओर चल रहे थे, तो ये बात जो थी अकबर ने वो प्रस्ताव भेजा, अकबर ने आदेश भेजा मानसिंह के लिए। मानसिंह जो है उस समय आमेर के कहते हैं कि शासक तो जो थे भगवंत दास थे, लेकिन जो मानसिंह जो उस समय अधीनता तो उसमें भगवंत दास चूंकि अधीनता में थे, तो एक तरीके से कुंवर के रूप में वो सेवा कर रहे थे अकबर की। तो मानसिंह जो है, जब मानसिंह के पास आदेश आया तो ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह वहां महाराणा प्रताप के पास गए। यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय से इसको देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि महाराणा प्रताप जो है वो मानसिंह से मिलने नहीं आए, उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को मानसिंह से मिलने के लिए भेज दिया। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि कुछ किताबें ये हमें बोलती हैं, इतिहासकारों का वो कहना यह है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात हुई थी, और उस समय महाराणा प्रताप ने मानसिंह से ये कहकर के मना कर दिया कि मैं बेटी रोटी का बंटवारा नहीं करता, मैं उन राजपूतों से संबंध बना के रखना नहीं चाहता जो बेटी रोटी का बंटवारा करें, तुम राजपूत नहीं हो, इसलिए सम्मान तुम यहां से वापस लौट जाओ। कहते हैं कि इस बात को लेकर मानसिंह क्रोधित हो गया था। फिर ऐसा कहा जाता, कुछ इतिहासकारों का यहाँ ये भी कहना है कि मानसिंह से यह मैसेज कहलवा दिया गया, अमर सिंह जरूर मिले थे, कुंवर अमर सिंह जो थे उनसे मिले, और ये मैसेज दिलवा दिया गया था कि कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने ये कहा कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि तुमसे बात कर पाऊं, वो मिलने नहीं आए। कहते मानसिंह अंततोगत्वा क्रोधित हो गए, और मानसिंह ने ये कहा लेकर के कि मैं दोबारा आऊंगा और राणा के सिर दर्द का इलाज करूंगा। जब ये बात कही तो मेवाड़ी सैनिक जो थे उन्होंने मानसिंह की हंसी की और हंसते हुए ये कहा था कि जब तुम आओ मेवाड़ तो ध्यान रखना अपनी फूफा को साथ जरूर लेकर के आना। क्योंकि यहाँ अकबर जो है वो कहते हैं उनकी फूफा लगा करते थे, तो आप देखिए उन्होंने इस बात को बोला कि अपनी फूफा को साथ लेकर के आना, और मानसिंह यहां से चला गया। और मानसिंह ने जो हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व किया था उसके पीछे कारण अपनी कहते प्रतिष्ठा को ही मानता है। उसके बाद भगवंत दास जो थे, वो भगवंत दास को भेजा गया। भगवंत दास के बारे में 2 महीने आते हैं, 1 सितंबर 1 अक्टूबर, तो यह ध्यान रहे कि सितंबर ज्यादा पक्ष में रखा जाता है, 1573। मानसिंह जो जून 1573 में गया था, भगवंत दास जो है 1573 में, यानी कि सितंबर और अक्टूबर माह में 1573 में पहुंचा। चौथी और अंतिम बार जो गए थे वो दिसंबर 1573 में गया था टोडरमल। तो पहले गया जलाल खां, दूसरी बार गया मानसिंह, तीसरी बार गया भगवंत दास, और चौथी बार गया टोडरमल। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछा गया है, लगभग 4-5 बार प्रश्न आ चुका है। जैसे कि सबसे पहले वार्ता के लिए कौन गए, तो वो गया जलाल खां। फिर ये पूछा गया था कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम में पहले कौन हुआ, हम रिपीट करेंगे एक बार, और वह है जलाल खां। दूसरी बार कौन गया, मानसिंह। तीसरी बार कौन गया, भगवंत दास। चौथी बार कौन गया, टोडरमल। अंतिम बार कौन गया, टोडरमल गया। ये ध्यान रखिए, ये इनका आरोही अवरोही क्रम भी हम लोग देख सकते हैं, लगाने के मामले में आपको ध्यान रखना है। यहाँ गाइडें आप लोग काफी पढ़ते होंगे, क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के मेरे दौरान ये बात आती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि चूंकि मैंने जैसे कहा कि बकायदा अलवर अलवर जयपुर दौसा सीकर में जो 15-16 साल का जो पढ़ाने का अनुभव मेरा रहा, इसमें देख रहा हूँ कि चलन प्रेजेंट में, हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ,
मैं किसी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मेरी विरोध करने की आदत है। मेरा मकसद है सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना। तो यहाँ क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स अपना करके इस प्रकार की स्थितियाँ जो हैं वो प्रस्तुत की जाती है। और चूंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो थोड़ी रोचक चीजें होती है उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ध्यान रखिए इससे हमारे दिमाग पर दबाव दोहरा पड़ता है। एक तो जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती हैं, जैसे कोई जलाल मान भाग टांग तोड़ दूंगा, या जलाल मान मान का हो गया भाग गया टोडर मर आया, ये मतलब मेरे समझ में नहीं बैठता। इससे क्या होता है कि लेकर के स्टूडेंट पर दोहरी मार आएगी, क्योंकि या तो स्टूडेंट खुद इन चीजों को बनाए और जब बनाने बैठेगा तो उसको ऑटोमेटिक एक मिनट याद ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम दूसरे के बनाए हुए मैटर को याद करते हैं, एक तो हम उसको याद करें, उसके बाद फिर हम इन सन को याद करें, इनके नामों को याद करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, आप ये बचाव कीजिए अपना। इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा हो जाता है, दिमाग पर डबल दबाव हमारे दिमाग पर आता है। क्रिएटिव माइंड जो बनकर के किसी चीज को जोड़ा जाता है, वो मेथड मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसकी एक स्थिति है कि मैं क्रिएटिव माइंड तरीके से कैसे जोड़ना पड़ता है, कैसे उनको याद करना पड़ता है। लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में ये बात ध्यान रखिए, मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उसको ये ध्यान रखिए, उसको कोई भी कॉम्पिटिशन पास करना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आपको डिटेल में याद रखना है जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडर मल। कहते हैं कि जब यहां पर जब चारों शिष्टमंडल फेल हो गए तो अकबर के सामने अब एक ही बात आ गई कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। अकबर ने अपना प्लान तैयार किया, और जो प्लान है वो प्लान ध्यान रखिए एक परिणति के रूप में जो हमारे सामने आया, वो परिणाम हमारे पास क्या रहा, वो था हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध विश्व विख्यात युद्ध रहा है। हल्दी घाटी युद्ध, जिसे हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध, ये ध्यान रखिए, कि जिनके आम जन के मानस पर बिल्कुल ये छाया रहता है। इसके एक एक तथ्य जो होते हैं आम जन को भी पता होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बच्चा बच्चा हमारा देश का जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानता है। तो इस हल्दी घाटी युद्ध की परिणति आई, इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर आगे हम देखेंगे लेकर के। हल्दी घाटी युद्ध की जो स्थिति है, यहां ध्यान रखिए सबसे पहले योजना निर्माण, कि हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है उस योजना को अंजाम कैसे दिया गया था। जब मानसिंह जो था, मैंने आपसे कहा कि मानसिंह ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, तो इस हल्दी घाटी युद्ध की योजना हमारे राजस्थान का जो अकबर का किला है, जिसे अकबर की मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है, जो अजमेर में स्थित है, यहां पर मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर के साथ बनाई थी। तो आप ये ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना का निर्माण कहाँ हुआ, तो वो आता अकबर के किले अजमेर के अंदर हुआ था। और उस योजना को बनाया गया था मानसिंह ने अकबर के साथ मिलकर बनाया था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना का जो निर्माण किया था वो किया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये ध्यान रखिए, किसमें किया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना का निर्माण किया था। अब आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सैन्य बल है उस सैन्य बल का प्रस्थान कैसे हुआ, कहां से कैसे चला। अब आप ये ध्यान रखिए, अजमेर मैच नक्शे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अजमेर आप देख रहे हैं, ये राजसमंद आप यहां पर देख रहे हैं, इधर ये जो नक्शा है ये भीलवाड़ा का है, ये चित्तौड़गढ़ और ये है उदयपुर। तो अजमेर के अकबर के किले में जो योजना निर्माण के बाद मानसिंह अपनी सेना को लेकर के चला, और अजमेर से निकल करके वो पहुंचा था मांडलगढ़। मांडलगढ़ पहुंच करके उसने मांडलगढ़ दुर्ग में, कहते हैं कि लगभग एक माह तक जहां जो है सेना को रेस्ट कराया, सेना को ट्रेंड भी की उसने किया। यहां से मांडलगढ़ से निकलने के बाद अकबर जो था अपनी सेना को लेके आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के उसने अपना जो जो सेना लेके आया वो लेके आया खमनोर में, खमनोर जो कि राजसा मंद के अंदर है।
जो महाराणा प्रताप है वो अपनी सेना को लेकर के आए थे गोगुंदा। आप ध्यान रखिए, सेनाएं जो हैं दो आमने सामने हैं, मुगल सेना खमनोर के अंदर आई है और महाराणा प्रताप की जो सेना है राजपूत सेना वो गोगुंदा में आई है। यहां आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर मैं कह रहा हूं कि अजमेर, अजमेर से चला वो मांडलगढ़, मांडलगढ़ से आया खमनोर, ठीक है। मांडलगढ़ में एक माह तक लगभग जो है मानसिंह यहाँ एक माह तक रहा था और वहां से चलने के बाद उसने अपनी सेना को लेकर के आया था खमनोर और गोगुंदा में लेकर के आए थे महाराणा प्रताप। जो सेना, आप ध्यान रखिए, यहां हम हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना और राजपूत सेना, इन सेनाओं के सेनानायक मुख्य रूप से कौन कौन थे उसका उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। आपको खास तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि राजपूत सेना में या प्रताप की सेना में कौन शामिल नहीं था, या आपसे पूछ सकते हैं कि अकबर की सेना में कौन शामिल नहीं था, तो आपको यह ध्यान रखना है। प्रताप की सेना में जो शामिल थे वो शामिल थे भीम सिंह डोया, रामदास राठौर, रामशाह तोमर, जो कि इनके बारे में कहते हैं कि अपने तीन पुत्रों की शादी शहीद हुए थे, हाकिम का सूर, हाकिम का सूर ये ध्यान रखिए एकमात्र मुस्लिम सेना नायक थे। माणा प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेना नायक जो थे वो हाकिम का सूर थे और हाकिम का सूर के नाम पर ही राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक एकता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। भामाशाह मुल्ला ताराचंद, बींदा झाला और राव पूंजा, जिसको पूंजा भील के नाम से भी जाना जाता है, भीलों के नेता थे। अकबर की ओर से सैयद अहमद खान बरहा, सैयद हसीम बरहा, जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, मुल्ला काजी खान, राव लोणकर्ण, मेहतार खान, गयासुद्दीन अली आसफ खान जो थे, ये सेनानायक मौजूद थे। और हल्दीघाटी युद्ध जो हमारा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हल्दीघाटी युद्ध के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं, इस हल्दीघाटी युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है। हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है और गोगुंदा का युद्ध जो कहा है वो कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। आई रिपीट अगेन, आप भी ध्यान रखिए, अब्दुल कादर बदायूनी, जिसे हम शॉर्ट में बदायूनी के नाम से भी जानते हैं, ये क्योंकि ज्यादातर किताबों में ज्यादातर बार इसका बदायूनी नाम आता है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है मित्रों वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। और इसमें इसका जो ग्रंथ रहा है मुंतखब उत तवारीख, इसमें इसने गोगुंदा का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध को नाम दिया है। ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, इसने अपने ग्रंथ अकबर नामा के अंदर हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली का युद्ध इसे नाम दिया। एक इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने बादशाह बाग का युद्ध इसको कहा। चूंकि ये युद्ध बनास नदी के सहारे सहारे के क्षेत्र में हुआ था इसलिए इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है। इसे रक्त तलाई का युद्ध या रक्तताल के युद्ध की संज्ञा भी हल्दी घाटी के युद्ध को दी गई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लेकिन कि वहां एक बड़ा, एक विशाल कहते बहुत बड़ा गड्ढा वहां मौजूद था, लेकिन तो उसमें रक्त जो है वहां जो सैनिक शहीद हुए थे उनके रक्त से वो भर गया था, एक ताल का रूप ले लिया था, इसलिए इस युद्ध को रक्त तलाई या रक्त ताल का नाम भी दिया जाता है। इस युद्ध को एक नाम और दिया गया और उसे बोलते हैं हाथियों का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के अंदर हाथियों का प्रयोग किया गया। यहां बड़े प्रसिद्ध हाथी, ऐसे बहुत सिद्ध हाथी थे जो युद्ध के अंदर सिद्धस्थ थे, उनका मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल सेना के हाथी कौन कौन से थे और महाराणा प्रताप के हाथी कौन से थे। यह ध्यान रखिए आप कि यहां पूना राम प्रसाद, ये जो हाथी थे ये हाथी थे महाराणा प्रताप के। ये राम प्रसाद का क्वेश्चन ध्यान रखिए कि आरटेट के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अकबर ने, दरअसल अकबर की सेना ने राम प्रसाद को घेर लिया था और कहते राम प्रसाद जो है वो हाथ लग गया था अकबर के।
अकबर जो है ये बात पहले कह चुका था कि मुझे राम प्रसाद को मुझे सौंप दो, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा मना कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया। तो अकबर ने कहते हैं कि ये माना कि ये उसे पीर की कृपा से, ये उसे कहते हैं कि रब की कृपा से उसे मिला है, इसलिए उसके मुंह से निकला पीर प्रसाद। तो अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल करके पीर प्रसाद रखा। या मुगल सेना में आप देखेंगे कि मर्दाना नाम का जो हाथी था वो मानसिंह का हाथी था, हवाई जो हाथी था वो अकबर का हाथी था, जिन पर ये दोनों खुद सवार थे। गजराज और गजयुक्ता, ये दो जो नाम है ये भी मुगल सेना के हाथी के ही नाम रहे हैं। यहां क्या है आप देखिए, हल्दीघाटी युद्ध जो है, अब हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको पूरा डिटेल हल्दीघाटी युद्ध के बारे में दूंगा, और प्रॉमिस जो मैंने आप लोगों को कर रखा है कि आपको किसी प्रकार की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अंत में मैं जो है अपने व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता ही हूँ, उस पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ते हैं। काफी स्टूडेंट जो है सैकड़ों की संख्या में अपने क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, जिनके उत्तर गए हैं उनके पास। आप भी कोई आपकी कोई क्वेरीज आपकी हो तो आप उसको बकायदा अपना प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब हम बात करते हैं हल्दीघाटी जो युद्ध है, ये महाराणा प्रताप, और चूंकि अकबर जो है वो उस समय नहीं आया था, पहले अकबर की सेना जरूर संघर्ष कर रही थी, तो मानसिंह और आसफ खान ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब आप यहां प्रश्न पर ध्यान रखिए, यदि ऑप्शन आपके इस प्रकार से आते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ऑप्शन ए महाराणा प्रताप व अकबर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप व मानसिंह, तो आप ये ध्यान रखिए मित्रों, आपका जो आंसर होगा वो होगा महाराणा प्रताप और मानसिंह होगा, न कि अकबर करेंगे आप। क्योंकि ये ध्यान रखिए, जब डायरेक्ट वही जो मेन जो टॉपिक होता है, मेन जो पर्सन होता है, जब वो खुद आ जाता है, तो यह ध्यान रखिए आंसर उसी को हमें लेना होता है। यहाँ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी दो तिथियां मिलती हैं, आप ये ध्यान रखिए। एक है 18 जून 1576, 18 जून जो डेट बताते हैं वो डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव बताते हैं, और 21 जून जो डेट बताई बताई गई है वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बताई गई है। हल्दीघाटी युद्ध में आप ध्यान रखें, मैं सैन्य, चूंकि जो सैन्य दस्ता है यहाँ का, उस सैन्य दस्ता कैसा था उस पर चर्चा आज आपको करनी है। मैं आपको उन टॉपिक्स पर बात करूंगा, मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि हम आपको बताएंगे कि सैन्य दस्ते की स्थिति ध्यान रखिए। पहले आप इधर ध्यान देंगे, सैन्य दस्ते में तीन नाम आपको यहां पर मिल रहे हैं। पहला पहला शब्द है जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया जा रहा है, वो है हरावल शब्द। हरावल में आप ध्यान रखिए, सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती थी, सबसे अग्रिम जो भाग होता था उसे हरावल कहा जाता था, और उस हरावल का नेतृत्व एक बहुत ही सिद्धस्त व्यक्ति, जो युद्ध का बहुत जानकार होता था, बहुत विश्वास पात्र होता, उसे उसका नेतृत्व दिया जाता था। मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, और राजपूत सेना में हरावल का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूर ने। हरावल में ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, युद्ध लड़ने के लिए जो सैनिक होते थे वो सैनिक बड़ी बड़ी परीक्षाएं दिया करते थे, अपने आप को ये सिद्ध किया करते थे राजा के सामने कि मैं हरावल का नेतृत्व कर सकता हूं। ये दूसरी जो मध्य की जो पंक्ति हुआ करती थी उसे बोला जाता था ढोलान। पहली पंक्ति हो गई जो हरावल है, मध्य की जो पंक्ति है उसे ढोलान कहा गया, और ढोलान में ध्यान रखिए नेतृत्व जो कर रहे थे राजपूत सेना की ओर से महाराणा प्रताप कर रहे थे, और जो सबसे अंतिम पंक्ति हुआ करती थी उसको चंदावल के नाम से जाना जाता था। तो आप ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हरावल क्या है, क्योंकि हरावल एक शब्द ध्यान रखिए आभूषणों से भी मिलता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए हरावल जो है वो सेना, यानी कि सेना की अग्रिम पंक्ति होती है। या इकट्ठा आपसे पूछ ले कि हरावल ढोलान चंदावल क्या है, तो ये सैन्य पंक्तियां हैं, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखिए, इस युद्ध में आपको यह ध्यान रखना है। आसफ खां चंदावल का जो नेतृत्व तो मुगल सेना में कर रहे थे वो आसफ खां कर रहे थे, और पूंजा भील जो थे, जो भील नेता थे, वो इसका नेतृत्व जो राजपूत सेना में चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। यहां पर हम देखेंगे जो सैन्य बल है वो सैन्य बल कहते हैं 3,20,000 जो सैनिक है, चूंकि अलग अलग बातें यहां पर आती हैं लेकर के, कि 3,20,000 सैनिक जो थे मुगल सेना में थे, और 80,000 सैनिक जो राजपूत सेना में माने गए थे। ऐसे कहते हैं कि लेके
कि जो 80,000 सैनिक और 20,000 सैनिक का उल्लेख भी हमें यहाँ पर मिलता है। इतिहासकारों की अलग अलग राय यहाँ पर होते अलग अलग राय होती है। कहते जदुनाथ सरकार के अनुसार जो है वो पहले जो पहला पक्ष है उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं लेके, और बाकी जो अन्य जो इतिहासकार है वो दूसरे पक्ष की यहाँ पर बात करते हैं कि क्या है एक अलग। अभी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो मध्यकालीन जो इतिहासकार रहे हैं वो इतिहासकार 3,20,000 की सेना और 80,000 की सेना का पक्ष रखते हैं। उसमें नाम किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको खासकर ध्यान रखिए, आप ये बताएंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टरबेंस रहा है, और चूंकि एक टीचर होने के नाते मैं माफी मांगनी भी नहीं चाहिए, इतनी छूट तो मेरे स्टूडेंट मुझे कम से कम देंगे, क्योंकि लगातार बोलने से गले में थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है। हाँ, आगे देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब एक जनरल हमारे बात करने की स्थिति में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है हल्दी घाटी उससे पूछे जा चुके हैं, अब यह एग्जामिनर जो ये बात कर सकता है कि सैन्य अनुपात क्या था हल्दी घाटी युद्ध में, मुगल सेना और राजपूत सेना का सैन्य अनुपात क्या था, तो सैन्य अनुपात था 4:1। आप चाहे ज्यादा संख्या वाली बात करेंगे तो भी जो है 3,20,000 और 80,000 की जो बात आ रही है, और एक जो 80,000 और 20,000 की बात आती है, अनुपात हमारा एकदम सही फिट होता है, 4:1, यानी कि जो मुगल सेना है वो राजपूत सेना से 4 गुना ज्यादा थी। मानसिंह ने तो अपना लास्ट में अंतिम शिविर कहते जो लगाया था वो मोले लगाव में लगाया था, और जो महाराणा प्रताप ने लगाया था अंतिम शिविर वो लगाया था लोसिंग गांव में लगाया था। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की स्थिति यहाँ कैसी है आपको बारे में आपको बता चुका हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि हरावल, डोलाण और चंदावल, ये मित्रों आपको याद रखना है कि किस प्रकार की स्थिति कैसी, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। आज की वीडियो क्लास, जो कि मैंने आपसे कहा था दो भागों में हम लोग इसको करेंगे, आज हल्दी घाटी युद्ध कैसे हुआ, तो उसमें घमासान कैसा था, महाराणा प्रताप का अग्रिम संघर्ष किस प्रकार का था, वो चर्चा मैं जो करूंगा मित्रों अगली वीडियो क्लास के अंदर करूंगा। तब तक आप यहां से इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बनाइए, और बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से आप अपनी तैयारी करें, आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि समय जो होता है वो परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, जब अच्छे और बुरे दिन का जो फिर यहाँ चलता रहता है, पूरा विश्व एकदम त्रासदी में है, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा एक तरीके से मानी विकास का जो चक्र वो रुका है, लेकिन आगे चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, और आप ध्यान रखिए हम में है विश्वास बकायदा कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आपको ईश्वर आपको आपका अपना लक्ष्य प्राप्त कराए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ललित धानावत आपसे विदा लेता हूं। और आप ध्यान रखिए, आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का है तो आप अपना क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है वो अब मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610232818 पर आप इसको डाल सकते हैं, उसका 100% रूप से उसका आंसर मैं आपको दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखिए, आप इस चैनल को जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और आगे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, ताकि ये जो हमारी जो मेरी जो वीडियो क्लासेज हैं, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल सके। मैंने बार बार इस बात को कहा है लेकर के कि हजारों क्या लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस जो तैयारी बेचारे कोचिंग आकर के नहीं कर पाते हैं, या मानिए कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत गलत कोचिंग से फंस जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली कोचिंग फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग में आदमी का एक ही सवाल होता है, कोई ये मानता है कि बड़ा और अच्छा वही है जहां भीड़ होती है, ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि आप अपने सही डिसीजन को काम में लें, अपनी बुद्धि को काम में लें, क्योंकि ईश्वर ने हमारा दिमाग जो सबसे ऊपर दिया है, और वो इसी बात को लेकर के दिया है कि इंसान अपनी बुद्धि से काम ले, इंसान अपने दिमाग से सोचे, और अपना एक इतिहास बहुत स्वर्ण अक्षरों का अपना एक इतिहास बनाए, जो कि आपको 100% रूप से आपको वो इतिहास अपना बनाना है। मैं आप ध्यान देखिए आपके साथ सदा आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत बहुत एक बार मेरी शुभकामनाएं दोबारा आप सभी के लिए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।